सो गाइस, अभी मैं काफ़ी इंटरेस्टिंग शूट कर रहा हूँ जिसका मैं छोटा सा बिहाइंड द सीन्स बना रहा हूँ। ये एक्चुअली एक बॉटल है जो मेरे पास एज अ प्रॉप थी एंड ये स्मोक निकल रहा है। ये पीछे मैंने धूप लगाई हुई है टेप से सो दैट वो यहाँ पे स्टिक करें एंड इस तरह का स्मोक ऊपर आ रहा है। सो मैंने जस्ट अभी कुछ स्मोक फोटोग्राफी करी है, यहाँ मैं आपको कुछ सैम्पल्स दिखाता हूँ। ये फाइनल आउटपुट है। अब इसको मैंने कैसे शूट करा, बिहाइंड द सीन्स क्या थे, क्या चीज़ें प्रॉप्स मैंने यूज़ करी, क्या कैमरा सेटिंग्स था, एंड ट्रस्ट मी ऐसी जो फोटोज़ हैं आप मोबाइल से और डिजिटल कैमरा दोनों से क्लिक कर सकते हो। क्या पूरा प्रोसेस है जल्दी से मैं समझाता हूँ। आई ट्राई टू कीप इट शॉर्ट सो दैट आप जल्दी से वीडियो देखो एंड आप खुद ट्राई करके मेरे साथ इमेजेस शेयर कर सको। तो पहले मैं इस शूट की बात करता हूँ। जो मैंने इस सिचुएशन में यूज़ करा वो था एक ये बॉटल जो मेरे पास पड़ी हुई थी। अगर आप पुरानी वीडियोस देखते हो तो आपको पता होगा मैं इसको एज अ प्रॉप यूज़ करता था। सो इसका मैंने ये जो लाइट है पूरा ये निकाल दिया था सो दैट बॉटल पूरा ओपन लगे ऊपर से। एंड इसकी बैक साइड में मैंने एक धूप बत्ती जो आती है उसको टेप से चिपका दिया था सो दैट जो भी स्मोक आएगा वो ऐसा लगेगा बॉटल की कैप से सीधा स्मोक निकल रहा है। तो ना मुझे फोटोशॉप करना पड़ेगा कि मैं बॉटल को अलग से शूट करूं, स्मोक को अलग से देन जॉइन करूं। मुझे चाहिए था कि मैं सिंगल शॉट में ऐसा कुछ अचीव करूं। सो आप ऐसी कुछ बॉटल ले सकते हो, कुछ भी ऐसा सब्जेक्ट ले सकते हो जिसके थ्रू ऐसा लगे कि स्मोक निकल रहा है। सो वो धूप बत्ती थी जिसका स्मोक इतना डेंस आ रहा था। आप अगरबत्ती भी ट्राई कर सकते हो अगर धूप बत्ती नहीं है। ये दो ऑप्शंस हैं जो मेरे हिसाब से स्मोक फोटोग्राफी के लिए बहुत सही रहेंगे। उसके बाद आपको एक डिजिटल कैमरा या आप एक मोबाइल फ़ोन भी यूज़ कर सकते हो, दोनों में आप शूट कर सकते हो। कैमरा सेटिंग्स क्या है मैं अभी आपको बताता हूँ। बट एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ मैं सजेस्ट करूँगा वो है एक ट्राईपॉड, बिकॉज अगर ट्राईपॉड है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो आप हैंडहेल्ड भी ट्राई कर सकते हो। बट ट्राई करना कुछ भी ऐसा स्टेबल चीज़ हो जहाँ पे आप कैमरा को स्टेबल रख सको। अब बात करते हैं लाइटिंग की। सो मैंने यहाँ पे सिर्फ एक लाइट सोर्स यूज़ करा था, मैं भी आपको वही सजेस्ट करूँगा। लाइट सोर्स के लिए मैंने ये लाइट वॉन्ड यूज़ करा था जो मेरे पास एक कंटिन्यूस लाइट है। आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, आप टेबल लैम्प बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, मोबाइल की फ्लैश यूज़ कर सकते हो। बट ट्राई करना जितनी ब्राइट लाइट रहेगा उतना बेटर होगा। ये बॉटल है और मैं यहाँ से ही शूट कर रहा हूँ जहाँ कैमरा एंगल देख रहे हो। सो लाइट का पोजीशन मैं ट्राई करूँगा पीछे, एकदम पीछे भी ना रखूँ बिकॉज वो फोटो में आएगा। एक एंगल दूंगा 45 डिग्री पीछे से सो दैट लाइट यहाँ से आए, वो हेल्प करेगा जो स्मोक है उसको लाइट अप करने में। बैकग्राउंड के लिए ट्राई करना कुछ डार्क रहे। यहाँ जो आप पीछे ग्रे वॉल देख रहे हो मैंने वो यूज़ करी थी। आप कुछ एक ब्लैक पेपर या ब्लैक कपड़ा कुछ है उसको पीछे लगा देना, उससे आपका जो स्मोक है वो हाईलाइट होगा डार्क कलर के आगे। सो DSLR या मिररलेस में सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है वो है कैमरा मोड। अब आप मैनुअल मोड भी चूज़ कर सकते हो बट मैं सजेस्ट करूँगा अगर आप मैनुअल मोड से इतना आपको नहीं पता कैसे सेटिंग्स डालनी है, सबसे पहले आप एपर्चर प्रायोरिटी पे शूट कर सकते हो। यहाँ पे मैं एपर्चर प्रायोरिटी क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज जो आपका स्मोक है वो एक सिंगल लाइन में नहीं रहेगा। अगर स्मोक निकल रहा है तो थोड़ा पीछे जाएगा, थोड़ा आगे जाएगा, और आपको चाहिए कि मोस्ट पार्ट जो है वो आपका फोकस में आ सके। सो यू कैन स्टार्ट विथ 5.6 या F8, बिकॉज हर लेंस में F8 तो आपको ज़रूर मिलेगा, चाहे किट लेंस हो और आप किसी भी लेंस से शूट कर सकते हो। सो एपर्चर प्रायोरिटी F8 आप डाल देना। ISO ट्राई करना मिनिमम रहे। शटर स्पीड अगर स्लो जा रही है ट्राईपॉड पर डाल देना। सो ये बेसिक सेटिंग्स हैं। नेक्स्ट चीज़ है आप शटर प्रायोरिटी पे भी शूट कर सकते हो। मैंने शटर प्रायोरिटी पे आज एक्सपेरिमेंट करा बिकॉज इस तरह की फोटोग्राफी मैं पहले भी कर चुका हूँ, मुझे एक्सपेरिमेंट करना था। सो मैं शटर प्रायोरिटी मोड पे गया। मैंने पहले शटर स्पीड 1/100 रखी, कैमरा को मैंने एपर्चर और शटर स्पीड लेने दिया। बट ये एक सेकेंड ऑप्शन है जो आप ट्राई कर सकते हो। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कैमरा सेटिंग्स में जो मैं सजेस्ट करूँगा वो है ट्राई करो कि आप ऑटो फोकस अवॉइड करो, इसको मैनुअल फोकस पे स्विच कर लेना। बिकॉज जब आप स्मोक का फोटोग्राफी कर रहे हो कैमरा स्मोक पे फोकस इतना इजीली नहीं लेगा। एक ऑप्शन है कि जहाँ से स्मोक निकल रहा है, फॉर एग्जांपल ये बॉटल था, इसके पीछे मैंने स्मोक के लिए अगरबत्ती लगाया था, तो मैं मैनुअली फोकस इस पॉइंट पर कर दूंगा जहाँ से निकल रहा है, जहाँ यहाँ धूप बत्ती है, सो दैट फोकस मेरा फिक्स हो गया और वहाँ से जो भी स्मोक निकलेगा वो उस पर फोकस ऑलमोस्ट आ जाएगा, स्पेशली जब मैं F8 ले रहा हूँ। सेकेंड ऑप्शन है मिररलेस कैमरा में जब आप मैनुअल फोकस यूज़ करते हो आपको ऑप्शन मिलता है कि आप मैनुअल फोकस पीकिंग ऑन कर सकते हो। बहुत अमेजिंग फीचर है। बाय डिफॉल्ट रेड कलर दिखाता है, जहाँ भी आप फोकस कर रहे हो वहाँ पे वो दिखा देगा कि रेड कलर आ रहा है। एंड ट्रस्ट मी बहुत सही फीचर है।
अगर आपके पास मेरे लिए सही यू आर लकी इनफ टू ट्राई दिस, सो ये ट्राई करना फोकसिंग के लिए। बाकी एक्सपेरिमेंट और पेशेंस के ऊपर है। मैं यहाँ पे आपको कुछ शॉट्स दिखाऊंगा यहाँ जो आप ऑलरेडी देख चुके हो, वो सिंगल शॉट में नहीं निकलेगा। आप 15 मिनट तक हर स्मोक का हर सेकंड में अलग पैटर्न आएगा। एक ट्रिक मैं बताता हूँ, आप ट्राई करना, थोड़ा हवा हाथ से कर देना या फूंक मारोगे तो वो स्मोक के पैटर्न्स चेंज होते रहते हैं, वो आप ट्राई करना। एंड ये एक वीडियो था जहाँ पे मैंने अपना बेस्ट ट्राई करा कि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूँ स्मोक फोटोग्राफी का। एक चीज़ जो मैं यहाँ बोलूँगा, आप नॉर्मल अगरबत्ती या धूपबत्ती से भी कुछ पैटर्न्स निकाल सकते हो, बट फोरग्राउंड में कुछ सब्जेक्ट रखना, जैसे मैंने बॉटल रखा है वैसे आप कुछ भी सब्जेक्ट रख के ट्राई कर सकते हो। और मेरे साथ इंस्टाग्राम पे शेयर करना, ये हैशटैग और हैंडल है। आई विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू चेक आउट आपने क्या क्लिक करा है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग एट होम।